पंचायत चुनाव में चुनाव जीतने के लिए लोग तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन उस वादे पे पंचायत चुनाव जीतने के बाद वहाँ की प्रतिनिधि, वहाँ के जो मुखिया होते हैं, वो कितना उस पर खड़े उतर पाते हैं, उसकी तस्वीर हम आपको आज दिखाने का प्रयास करते हैं। इस समय हम हैं घनश्यामपुर प्रखंड के गनौन पंचायत में। ये है घनश्यामपुर का गनौन पंचायत और हमारे बीच एक काम चल रहा है गनौन पंचायत में, जिसको जिम कहा जा रहा है। लोगों का शरीर स्वस्थ रहे, ठीक रहे, इसके लिए लोगों को जिम जाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन शहर के लोग, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जानते हैं। चलिए आज हम रूबरू करा देते हैं इस पंचायत की मुखिया से। रेशमा आरा इस पंचायत की मुखिया है और हमने चुनाव के दौरान इनसे जो बात किया था उसमें कई तरह के सवाल किए गए थे। खास करके उसमें कहा गया था कि पंचायत में आप चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ काम करेंगे, तो उस काम में इन्होंने क्या कुछ किया हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन चलिए इनके कामों में एक काम जो है वो जिम लगाना, और जिम में क्या कुछ कर रही है ये चलिए हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे फिलहाल काम चल रहा है और काम वो खुद बैठ करके करा रही है। मुखिया जी यहाँ बैठी हुई हैं, यहाँ पे काम चल रहा है। मुखिया जी किस तरह का काम हो रहा है ये? यहाँ पे हम लोग ओपन जिम लगवा रहे हैं ताकि मेरे पंचायत के जितने भी वर्ग के लोगों हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, औरत हो, मतलब हर वर्ग के लोगों के लिए मैं ये जिम लगवा रही हूँ। पंचायत के लिए, पंचायत के लोगों के लिए ये कितना कारगर होगा? बहुत ज़्यादा कारगर है। आप सोचिए आजकल की लाइफ स्टाइल कितनी अनहेल्दी है। जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सब खाद पे उपलब्ध हो रहे हैं, तो वो सब खाने के बाद हमारा स्वास्थ्य कितना अनहेल्दी हो जाए, लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में आप अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपको सजेशन देते हैं वॉक करो, जिम करो, उसके बाद ही आपकी शरीर फिट रह सकती है। ऐसे में ही हमने सोचा कि अपने पंचायत के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। पहले स्वस्थ शरीर चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने पंचायत के लोगों के लिए जिम लगवा रही हूँ, खुद खड़े होकर काम करवा रही हूँ। पंचायत के लोग इस चीज़ को कितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये तो गांव के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई चीज़ है ये? जी, सब लोग मेरे काम से बहुत खुश है। आप पता कर सकते हैं, आप जाँच कर सकते हैं, वो लोग मेरे इस काम से बहुत खुश हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और ये सब कर रही हूँ। स्वस्थ शरीर के लिए जिम, व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। मुखिया पति भी हमारे बीच मौजूद हैं, ये भी नज़र आ गए, यहीं पे खड़े हुए थे। हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह का जो काम आप किए हैं तो पंचायत के लिए, पंचायत के लोगों के लिए कितना कारगर साबित हो पाएगा? पूरे पंचायत के लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि अभी जो हम लोग खाने पीने में जो खाद का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, केमिकल का ज़्यादा यूज हो रहा है, इस वजह से हमारा शरीर बीमारी से ग्रसित हो रहा है। तो जिम लगने से हमारे पंचायतवासी को एक फ़ायदा ये होगा कि अपने आप को फिट रख सकेंगे। ऑफकोर्स में यहाँ पर आप जिम कर सकते हैं। इलेक्शन के टाइम में तो मुझे लोग बोलते थे आप खुद जाओ, पानी में जाओ, तब आपको हमारे दर्द का एहसास होगा। जितने भी प्रतिनिधि जीत के आते हैं हम लोग को भूल ही जाते हैं। जीतने के बाद मेरा पहला काम वहाँ पे रोड और नाला बनाना था और वो मैंने बना दिया और अपने जनता से किया हुआ वादा पूरा की। आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं कि हमने वहाँ पे रोड नाला बनाया है कि नहीं बनाया। अनगिनत कब्रिस्तान में हमने मिट्टी भरवाया है, अनगिनत काम मैंने की है, जैसे कि शमशान घाट हो, बनवाना हो, वो की है। जितने भी मेरे स्तर से हुआ है मैंने अपना 100% दिया। अभी तो एक साल ही हुए हैं, 4 साल बाकी है, आप देखते जाइए, मैं इतिहास रच दूंगी, ऐसा ऐसा काम करूंगी कि मेरा पंचायत जो है बिहार का पंचायत नंबर 1 बन के रहेगा, ये मैंने ठान ली है। और अपने जनता से भी, अपने पंचायत के सभी वर्ग के लोगों का भी मुझे सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है, और उन सबसे मुझे निवेदन भी है कि आप लोग मेरा साथ दें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे और भी बहुत कुछ लाना चाहती हूँ। इच्छाएं तो बहुत हैं कि मैं ये करूँ, वो करूँ, और सब करके भी दिखाऊँगी मैं। ये एक सपना के साथ, प्रवेश द्वार के सपना के साथ ये पंचायत शुरू होगा, ये एक ऐसा सोच और सपना रखते हैं। अब देखते हैं कि रेशमा आरा की ये जो बातें हैं और ये जो सपना है ये कब